सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज चीनू एंड मोस्ट वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग वापस से हीरो मोटोकॉम का एक नया शो पे आ चुके हैं एंड अनएक्सपेक्टेडली ये बस हीरो का मीटअप नहीं रहा। अब हमारे पास इतने सारे कलेक्शन दिख गए मेरे को बाइक के, और मैं आपको देखूँ बेसिकली ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो ये पीछे विश्व बंगला गेट है, मैं कोलकाता में ही हूँ अभी भी फिलहाल। एंड ये सॉल्ट लेक ने न्यू टाउन विश्व बंगला गेट जान लो, बस न्यू टाउन के स्टार्टिंग पे ही पड़ता है, हम लोग यहाँ पे ही है। एंड मेरे को यहाँ पे इतने सारे बाइक दिख गए कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गाना वाना बज रहा है, बहुत सारे स्टोर्स लगे हुए हैं, ट्रायल दिया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, क्या है। हम लोगों ने अपना ड्रोन भी लेके आया है, पूरा सेटअप लेके आया है, अच्छे से व्लॉग करेंगे वीआर हेयर विद आवर आरसी। और माँ के साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरा आरसी का तो कोई वैल्यू नहीं भाई। तो अभी मैं चलता हूँ पीछे, आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा और कैसा है क्या। ओके, सो वीडियो में पूरा बने रहना और मेरे को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस, हम लोग ऐसा तड़कता भड़कता कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है BMW S1000, ये आपका स्पोर्ट्स एडिशन है। एंड गेस करो गाइस ये कौन सा बाइक होने वाला है, आप गेस करो मेरे को ये कौन सा बाइक होने वाला है। अगर आपको पता है तो मेरे को इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन पे वीडियो को यहीं पे पॉज करो और बताओ, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, तो गाइस ये है कावासाकी ZX 14R। भाई ये 14R है, 10R नहीं है, ये 14R है, लिटरली इज फकिंग बीस्ट। आपको मैं दिखाऊँ, डुअल एग्जॉस्ट लगा पड़ा है, एक्रोबेबिक का फोर सिलेंडर इंजन आता है, और इसका टायर देखो भाई, यू कैन सी इट, फोर सिलेंडर एक्रोबेबिक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा पड़ा है। ये है ZX 14R ट्रांसलॉजिक, और ये एक बंदे का है, ये उधर ही कोलकाता का ही बंदा है। एंड क्या आप देख पा रहे हो, इट लुक लाइक अ फकिंग बीस्ट भाई, ये कौन से लेवल पे है भाई, तुम देख पा रहे हो क्या मस्क्यूलर फीलिंग दे रहा है सामने से देखने के बाद। अनिकेत को देखो, अनिकेत पीछे फोटो लेने के ज़रा सोच ही नहीं पा रहा है कुछ, क्या ही करेगा। तो देखो भाई ये कुछ ऐसा है, नाइट्रॉक्स फैट्रॉक्स लगा भाई साहब। गाइस कैन यू गेस व्हाट इज दिस, कैन यू गेस व्हाट इज दिस, भाई ये देखो नाइट्रॉक्स वैट्रॉक्स सब लगा पड़ा है। एंड सबसे बड़ा फुल्ली कार्बन फाइबर बॉडी, कार्बन फाइबर, ठीक है। तो ये हो गया भाई, बहुत चीज़ें दिखाने को, छोटे छोटे शॉर्ट्स ले मैं दिखा रहा हूँ, ये था पहला चीज़। और जो दूसरा बाइक है ये हमारे यहाँ पे है, हमारा ट्रायम एक्स क्लैम्बर डुकाटी का है, ये डुकाटी का एक्स क्लैम्बर आता है, एक्स स्कैम्बलर डुकाटी। भाई ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो आप देख पा रहे हो ये एक ऑफ रोड बाइक है, इसका एग्जॉस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखो डुअल सिलेंडर में ये भी आता है, इसका एग्जॉस्ट देखो एकदम छोटा सा, यहाँ पे सब छोटा छोटा दिया हुआ एग्जॉस्ट। तो भाई ये ऑफ रोड के लिए बहुत तगड़ा बाइक है। तो आते हैं गाइस हम लोग डुकाटी का थोड़े बड़े सेगमेंट के ऊपर, एज यू कैन सी भाई, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे कुछ अच्छा दिख जाएगा। सो गाइस ये देखो ये दिख रहा है, ये डुकाटी का मल्टी स्टारो 1000R, क्या बोलूँ यार, सॉरी 1200S है ये भाई, ये 1200S है, आप देख पा रहे हो ये इट इज़ समथिंग 1200S, बवाल चीज़ है, तहलका दिखा दिया भाई। चार स्पोर्ट्स बाइक लगा है मेरे को, मतलब भाई 5-7 करोड़ तो यहाँ पे ऐसे ही रखा पड़ा है, 1, 2, 3, 4 स्पोर्ट्स बाइक यहाँ, और इतने पे ख़त्म नहीं होता है गाइस। हम लोग चलते हैं थोड़ा उधर, देखो वहाँ पे BMW का है, TVS का है, कावासाकी का है, डोंटलेस है, सब कुछ है वहाँ पे गाइस। हम लोग चलते हैं यहाँ के, सब कुछ दिखाते हैं। स्प्रिंटा ये देखो स्पॉन्सर्स हैं इन लोगों के, और यहाँ देखो यहाँ पे क्रोमा स्टोर है, फेडी फिल्म है, मैरियट, इम्पीरियल हॉल, और ये सब भाई हम लोग सॉल्ट लेक एरिया में, पूरा का पूरा ये सॉल्ट लेक एरिया है। तो वहाँ से चलो हम लोग चलते हैं BMW के सेक्शन पे। सो गाइस देखो हम लोग आ गए, सबसे पहले ये BMW का एक स्कूटी दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये देख लो ट्रिपल ब्लैक C4 GT। तो गाइस ये समथिंग अराउंड आपको 400cc का एक स्कूटी है, जो कि क्या सीन है आप देख ही पा रहे हो, फुल कंफर्ट डुअल कंफर्ट में आता है, इसका सीटिंग भी दो पार्ट में आ रही है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे हो तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। एंड गाइस सबसे बड़ा यहाँ पे देख लो, दिख रहा है आपको BMW S1000RR, द न्यू वर्जन, द 2022 वर्जन है ये भाई, मतलब इसको देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई BMW कुछ तगड़ा सा चीज़ बनाया है। तो यही है वो चीज़, मतलब कुछ नहीं बोलने का। और चलते दूसरे BMW के पास, BMW F900XR, ये देखो क्या मस्त सेक्सी सा लुक दे रहा है भाई, इतना मतलब मैं यहाँ पे बहुत लेट पहुँचा, अगर जल्दी पहुँचता तो और भी बहुत अच्छे से वीडियो बना पाता, ज़्यादा अच्छे से नहीं है, उस इवेंट इज़ ऑल अबाउट एंड। तो यहाँ पे हो गया, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम लोग देखते हैं हार्ले का कुछ नया एडिशन को। तो यहाँ पे एक हार्ले का नया एडिशन है, वहाँ पे मिलते हैं। सो गाइस दिस इज़ हमारा हार्ले का नया वाला वर्जन, आप देख पा रहे हो सब बंदे फोटो खिंचाने के लिए मस्त मज़े कर रहे हैं,
भाई क्या सेक्सी कदे जुलम लग रहा है देखने को, आप देख रहे हो वहाँ पे सिंगल सीटर है एंड दिस इज लिटरली फकिंग बीस्ट। ओ सॉरी गाइज, मैं अपने एक ब्लॉग में गाली नहीं देता, बट ये भाई नेक्स्ट लेवल है तबाही में भाई। और ये बेल्ट ड्राइव है, इसमें चेन नहीं होता, इसमें चेन नहीं रहता। सबसे पहला चीज मैं आपको दिखाऊँ, वो बंदा करके रहा। सो गाइज आपको उससे पहले दिखाऊँ मैं इसका टायर्स। तो गाइज ये मेरा हाथ है, आप मेरे हाथ के हिसाब से टायर की लेंथ मेजर कर सकते हो। मेरा हाथ का डबल है ये, एक मेरे पूरे इसमें नहीं आ रहा, देख लो फिर भी इधर बच रहा है, इधर भी बच रहा है। तो गाइज ये कुछ ऐसा है भाई, और देखो इसका एग्जॉस्ट 1250 सीसी का इंजन आता है इसमें, और ये बेल्ट ड्राइव है मैंने आपको जैसे कि बताया। आपको मैं दिखाऊँ उसका बेल्ट ड्राइव का सीन कैसा है, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे चेन्स नहीं है, यहाँ पे बेल्ट दिए गए हैं, वो जो नायलॉन बेल्ट होते हैं वही है। एंड ये क्या चीज़ का केबल है मेरे को वो भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये बाइक चलाया नहीं। तो हम लोग टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया, आओ गाइज हम लोग चलते हैं अपने ड्रीम बाइक की तरफ, द डुकाटी मॉन्स्टर्स। तो गाइज ये है हमारा डुकाटी मॉन्स्टर, हमारे ड्रीम बाइक, बहुत जल्दी ये हमारे पास होगा, बहुत जल्दी ये हमारे पास होगा, या तो ये होगा या तो आगे जो होगा वो दिखाता हूँ। तो ये था हमारा डुकाटी मॉन्स्टर, अभी मैं इस पर थोड़ा बैठ के देखता हूँ। तो ये था डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 एंड ये BMW S1000। सो गाइस BMW S1000 एक नए कलर में देख लो, ये ब्रांड न्यू है, अभी जस्ट आया हुआ है शोरूम से हमारे पास, हमारे पास नहीं मतलब यहाँ शो पे आया हुआ है। एंड दिस वन इज डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4, ये भी 2022 एडिशन द चेरी रेड। एंड गाइस हमारा कावासाकी निंजा ZX10R, ये पुराना मॉडल है बट ये भाई 10R है, ये देखो किसी रोहित बनर्जी बोल के बंदे का एंड इज लेजेंड। तो इसको करते हैं, चलते हैं आगे देखें। सो गाइज ये हमारा दिख रहा है ट्राम 650, दिस इज ट्राम 650। सुकीदा लेने का प्लान कर रहे हैं इसको, सुकीदा इसको लेने का प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्राम टाइगर का एस स्पॉट्स गुड। सो गाइज ये रहा हमारा ड्रीम बाइक, ये हमारा फर्स्ट ड्रीम बाइक है, क्योंकि वो पेनेगुले V4 तो हमारे बजट में नहीं है, तो ये हमारे थोड़ा बजट में है तो हम लोग इसको ले सकते हैं। ये है कावासाकी निंजा Z900, निंजा नहीं, कावासाकी Z900। तो आप देख पा रहे हो ये भाई, ये इसका सामने से एक लुक दिखा दूँ किसी को डराने के लिए, ये बंदा इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था हमारा Z900, ये भैया शोरूम से आके बैठे। भैया शोरूम कहाँ पे है? 222 AGC। अच्छा AGC वो ब्रिज के नीचे, ओके। तो गाइज ये वही शोरूम से आए हैं भैया, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी के लिए बात करने के लिए गया हुआ था। तो ये ठीक है, एंड ये रहा Z Ninja 300। एंड देख लो भाई, लुक्स देख लो भाई, अभी इसको भी बवाल तबाही बना दिया, पीछे कैरियर पिलियन सपोर्ट लगा दिया है, पहले ये नहीं आता था, अभी वो नया नया में आ रहा है, पहले नहीं आता था वो। तो ये हुआ हमारा निंजा का सेटअप सेगमेंट, दो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सेलिंग सेगमेंट है भाई सबसे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ इसके साथ, inline 4, जिस चीज़ के लिए मैं मरता हूँ, इनलाइन 4 इंजन है इसमें। अभी आप सोच लेना 4 सिलेंडर है भाई, पूर्णिया वालों घबरा जाओगे जिस दिन मैं इसे चलाऊँगा। तो ये करते हैं आगे, चलते हैं हम लोग और भी आगे के सेगमेंट में चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे TVS भी है, TVS की अपाची 164 भी लगी पड़ी है, एंड ये आपका TVS का रॉनिन बोलते हैं इसको, ये रॉनिन TVS का लगा हुआ है भाई। ये कितने CC का, ये मेरे को पता ही नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं। भैया बोलो कितने सीसी का है ये, कितने सीसी का है? 226। ओके तो गाइस ये है 226 सीसी का इंजन। तुम KTM चलाता है? KTM पे ब्लॉग करता है? हाँ। सो गाइस ये है 226 सीसी का इंजन, वो पल्सर N160 गाइस, ये N160 है एंड ये पल्सर, सॉरी ये भाई ये क्या है, ये क्या बाबा सीट है भाई, ओ गाइज ये कुछ नया लॉन्च हुआ है गाइज, ये अभी कुछ नया लॉन्च हुआ है P150, ये मैंने कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। एक हफ्ता हुआ है लॉन्च। तो भैया बता रहे हैं आज कि एक हफ्ता पहले ये लॉन्च हुआ है, तो ये क्या ऑफ ऑन रोड आ गया है, अभी ऑन रोड आ गया, शोरूम में अवेलेबल है, क्या प्राइस पड़ेगा इसका?
तो गाइज इसका पड़ रहा है आपको 1,41,000 P150 बोल के आ रहा है। तो ये किसको रिप्लेस करके आया है? रिप्लेस नहीं होगा, मतलब ये एकदम फुल का नया मॉडल है पूरा। तो गाइज आप इस पे भी जा सकते हैं, एक है 160N, ये नया देखा था मैंने, ये भी आज देख रहा हूँ नया। और ये तो आप लोगों को पता है ये डोमिनार 400, हाँ ये 400 ही है। तो इसका तो बात ही भैया छोड़ दो, ये अलग में खुद लेजेंड है, इसको कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। तो गाइज मेरे को कुछ अच्छा देखने को ये बाइक मिला, पल्सर का P150। ओके गाइज, तो गाइज ये 150cc में इंजन आ रहा है। तो अभी अगर आप क्लासिक 150 ले रहे हो तो मैं उससे अच्छा रिकमेंड करूँगा कि आप ये लो, ये ज़्यादा मज़ेदार मेरे को लग रहा है देखने में, क्योंकि थोड़ा स्पोर्टी लुक मिल गया और 150cc है। तो आप अगर आप अभी अंडर 18 तो भाई लेना ही मत, 18 के अबव हो और नया नया फर्स्ट बाइक लेना चाह रहे हो तो आप इसके लिए पीछे जाओ। एंड देखो भैया लोग हमारे साथ पूरा सपोर्ट करेंगे आपको जब भी बाइक चाहिए। तो भैया आप शोरूम कहाँ पे आपका? हमारा शोरूम आपका साउथ कलकत्ता में, हर जगह जाइएगा हमारा ही शोरूम आपको मिलेगा। आपका ही शोरूम मतलब ओएसएल बाजार? ओके, तो ओएसएल बाजार गाइस पीछे बोर्ड लगा है ओएसएल बजाज का, तो साउथ कोलकाता में सब जगह पे आपको मिल जाएगा। तो बाइक अवेलेबल हो जाएगी कभी भी जब जाएंगे। वन एंड ओनली मेन डीलर इन साउथ कोलकाता ओएसएल बजाज, ओएसएल बजाज। ओके थैंक यू, वो मिलता हूँ। तो गाइस ये हमारा विस्पा नहीं सॉरी चेतक है ये। तो गाइस ये है हमारा चेतक, ये अभी नया नया मेरे को देखने को मिल रहा है। अभी पहले मेरे को एक दूर से लगा था कि ये विस्पा है, बट चेतक है कुछ, इसके बारे में मेरे ज़्यादा को पता नहीं। तो गाइस ये आते हैं हम लोग अपना KTM पे, ये हमारा KTM 390 एडवेंचर। तो इसके बारे में क्या ही बताने, आप लोगों को पता है। और हम लोग चलते हैं RC 200 पे। तो गाइस ये है हमारा RC 200 नया वाला, तो देख पा रहे हो कुछ ऐसा फेडिंग, फुल फेडिंग में दिखता है भाई, ये फुल फेडिंग में है अभी, देख पा रहे हो ये कुछ ऐसा दिखने को। हमारा वाला जो RC है वो थोड़ा पुराना मॉडल है, थोड़ा क्या मतलब इससे एक पहले वाला मॉडल है वो, और अभी जो ये RC है कुछ इस फेडिंग में आ रहा है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। एंड ये अपना वर्सेस एस विटबलिन, ये 250cc का आता है। हम लोग अपने RC में इसका ही हैंडल लगाए पड़े हैं, आपको पता ही है, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता है आपको गाइस। तो यहाँ करते हैं खत्म, हम लोग चलते हैं ऑफ द कस्टम शोरूम, शोरूम से बाहर चलते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो यूज़र्स है, जो बाइक के यूज़र्स है, वो कौन कौन सा बाइक यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। सो गाइस सबसे पहले मेरे को दिखा ये डुकाटी मॉन्स्टर, देखो भाई क्या मस्त लुक्स में आ रहे भाई, मतलब लिटरली डुकाटी मॉन्स्टर्स बोल के इसको ही बोलते हैं, डुकाटी मॉन्स्टर। तो गाइस ये रहा डुकाटी मॉन्स्टर का सेकंड वर्जन 820i, मतलब 821 जिसको बोलते हैं डुकाटी मॉन्स्टर का, ये भी एक वर्जन है, वो भी एक वर्जन है, बट दोनों अलग है, दोनों को सेम मत समझना, दोनों अलग है गाइस। देखो इसमें डुअल एग्जॉस्ट में डुअल सिलेंडर में आता है और ये इसका पूरा कंप्लीट सिस्टम लगा पड़ा है विथ ऑल द सेंसर्स। ये सेंसर्स ना लगाने की भूल कृपया अपने बाइक में ना करें, वरना बहुत नुकसान में रहोगे, इंजन डैमेज हो सकता है आपका। और गाइस थोड़ा आगे चलते हैं, मेरे को और भी कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मस्त सा चीज़ जो कि आप देखने के लिए बहुत परेशान रहते हो, और फुल मॉडिफिकेशन के साथ दिखाऊंगा। सो गाइस शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो गाइस ये है कावासाकी निंजा 1000 cc का बाइक भाई 1000। और इससे भी कुछ बड़ा दिखाता हूँ, तो गाइस दिस वन इज अ लिटरली फकिंग, सॉरी नो बैड वर्ड्स, आई एम नॉट गोना यूज एनी बैड। तो गाइस हमारे सामने है कावासाकी निंजा H2, आई डोंट थिंक सो ये भैया कौन है यहाँ पे, ओके गाइस ये अभिषेक जा का बाइक है, उनका ही एक वो पर्सनल खरीद के रखे हैं, वो खुद चलाते हैं। देखो भाई ये है आपका कावासाकी निंजा H2 एंड सुजुकी GSX 1000R। तो गाइस कावासाकी निंजा Z 1000, हाय रोहन। तो गाइस ये हायरोन का ब्लॉग, हायरोन की बाइक है कावासाकी निंजा Z 1000। तो गाइस गाना बहुत तेज बज रहा है तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, बट दिस इज कावासाकी Z 1000 एंड देयर इज डुकाटी पिनाकोटा V4S। तो गाइस ये 2022 एडिशन है, आप देख पा रहे हो कावासाकी सॉरी डुकाटी पिनाकोटा V4S। तो देख पा रहे हो गाइस ये कैसा लगता है, अभी सबको बैरिकेड के अंदर रखा हुआ है, और ये सब यहाँ के लोकल बंदों का बाइक है, वो आपको मैं सबसे मिलवाऊंगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, एक वॉकआउट देख लो क्या मस्त सीन है भाई, देख के दूर से ही देख के मजा आ रहा है। तो और ये इवेंट देखो भाई, यहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं एंड चारों बगल का कुछ सीन ऐसा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो गाइस देखो यार यहाँ पे देख के तो मेरा दिल आ गया, मतलब क्या ही बोलूँ। हे रोहन, यू आर ग्रेट रोहन, यू आर हैविंग अ 1000 cc
सी ग्रीन बाइक एंड द सेकंड इज ये भैया GS 1000 भाई ये तो अलग ही लेवल पे भाई, ये अलग लेवल पे बाइक है। सो गाइस ये देखो कावासाकी निंजा H2 भाई, अभी बताओ क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, ये सब बाइक देखने को मेरे को मिलेगा अभी यहाँ पे इवेंट में, मीटअप में मेरे को कुछ पता नहीं था। एंड कावासाकी निंजा 1000 भाई, मतलब ये स्पोर्ट्स बाइक का कलेक्शन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ से वहाँ तक। ऑल द बाइक्स आर ऑफ 1000 सीसी एवव, सारे बाइक 1000 सीसी से एवव है और मेरा दिमाग लिटरली चकरा गया। मैंने डिसाइड कर लिया जो मेरा ड्रीम बाइक होने वाला, वो तीन मैंने चूज़ किया, अब तीन में से कोई एक ही आएगा, तीनों तो अभी ले नहीं पाऊँगा, तीन में से एक आएगा। एक तो ये है, एक है Z900 डुका, तीसरा है डुकाटी मॉन्स्टर्स एस बोल के, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या है। सबसे पहले मैंने रेड वाला बाइक देखा था भाई, तो अभी का व्लॉग के लिए यहाँ पे ही, अगर और कुछ आगे को मेरे को देखने को मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड आप देख पा रहे हो हीरो का भी V4 लगा पड़ा है, हीरो के सारे सेगमेंट्स के बाइक लगे पड़े हैं यहाँ पे। ये लोग सब कुछ करा रहे थे अभी, ड्रैग रेस सब कुछ हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग सुखी जा के पास, थोड़ा सा ड्रोन उड़ाएंगे एंड फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर आगे। Guys, as you can see, controller is all about to be shredded. All right, guys, हमारा suit हो गया है खत्म, meetup हो गया है खत्म। यहाँ पे कुछ अभी भी sports bike लगे पड़े हैं, वो 1000 cc and above है, तो आवाज़ बहुत हो रहा है, पीछे concert चल रहा है, तो मैं ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं घर जाने का। Actually ये 8:30 हो चुका है, या फिर रात को इधर ही रुक जाता है ये Marriott में, तो चलता हूँ घर, मिलता हूँ आपसे रास्ते में, देखता हूँ कि क्या है।